साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत तौर पर फौरी निकलवाने के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर हुकूमत के वकील ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अब रिहा हैं, दरख्वास्त इन्हें दायर करनी चाहिए थी। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ECL से नाम निकालने के लिए शर्त आयद करे। हमने ये देखना है कि किस नैब ने नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ वाकई मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा जी अगर इन्हें इजाज़त मिलेगी तो जाएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को जवाब दाखिल करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।